आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में सियासी लीडर या मकबूल तरीन सियासतदान कैसे बना जा सकता है। पाकिस्तान में अब तक 12 इंतखाबात हो चुके हैं और जैसे बरसात के मौसम में बरसाती मेंढक सामने आते हैं, बिल्कुल उसी तरह इंतखाबात के मौसम में एक नजरियाती सियासी कायद हमें जरूर मिलता है। मकबूल तरीन सियासतदान या पाकिस्तान का लीडर बनने के लिए हमदर्द का नहीं बल्कि खुद गर्ज का नुस्खा जरूरी है। गुले हसद 8 तोला, गुले हक तल्फी 9 तोला, अर्क रिश्वत 10 तोला, अर्क मर्दुम आजादी 12 तोला, नालायकी की चाल और मगरमच्छ के आंसू 8 कतरे शामिल करें। इन तमाम चीजों को लेने के बाद खयानत के तराजू में तोल लें, तासुब की छलनी से छान कर, नाखल्फी की हांडी में डालकर बेशर्मी की धीमी आंच पर पका लें। जब पककर तैयार होने लगे तो उसमें नाशुक्री की शक्कर डालें और जिल्लत और रुसवाई के बड़े चमचे से कुछ देर तक चमचागीरी करते रहें। जब पककर तैयार हो जाए तो फिर इसे कतरा कतरा अपने गले में उतारें। आपके अंदर से दयानतदारी, ईमानदारी, ईमान, इखलाकियात खत्म हो जाएंगे और आप एक मकबूल लीडर बनकर उभरेंगे। तो ये नुस्खा आप भी इस्तेमाल करें और आपके हलके से जो भी सियासतदान इंतखाब लड़ रहा है उसे ये नुस्खा जरूर दीजिए। और जिब्रान नासिर यार, इतना ईमानदार रहने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा नुस्खा आप भी इस्तेमाल करो, थोड़ा सा दोस्त दे। अरे खान साहब, जी खान साहब, नहीं 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 खान साहब, सबको नहीं दिया ये नुस्खा। अरे नून लीग को जाली नुस्खे भिजवाए, देखे ना गिरफ्तार हुए ना वो। अरे वजीर आजम आप है, आप है, आ गई तब्दीली, वजीर आजम इमरान खान। ओके, ये नुस्खा इस्तेमाल करें, ये नुस्खा इस्तेमाल करें, ये नुस्खा इस्तेमाल करें।